खास प्रशंसा ना होने के बावजूद क्यों आने वाली है द बैटमैन? क्या बैटमैन है कोई सुपर हीरो? आखिर किससे टक्कर लेते नजर आएंगे बैटमैन दी बैटमैन में? क्यों नहीं करता बैटमैन बंदूक का इस्तेमाल? हेलो दोस्तों, मैं पला गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और आज हम हाजिर हैं एक नए और काफी आकर्षित करने वाले विषय को लेकर। तो शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाबों के सिलसिले को। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ काल्पनिक चीज़ों को सच माने जाने लगे, और एक ऐसा नया दौर चल रहा है जहाँ लोग जासूसी और रहस्यमय कहानी को सुनना और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि निर्देशक इस बढ़ती मांग को नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। बता दें, मैट रीव्स द्वारा निर्देशित इस फिल्म का काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा है, और फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो गई थी लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते शूटिंग को रोकना पड़ा। लेकिन काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद द बैटमैन का ट्रेलर तहलका मचा चुका है, जो बस कुछ ही महीनों पहले हमारे बीच आया और काफी ज्यादा वायरल भी रहा। द बैटमैन में रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन की भूमिका में नजर आएंगे, और इनको इस भूमिका में देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म में रॉबर्ट बैटमैन के किरदार में जासूसी ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को ख़त्म करते नजर आएंगे। इससे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बैटमैन इसमें अपने विलेन को लड़ने के लिए उत्साहित नजर आएंगे। डीसी कॉमिक्स द्वारा निर्देशित द बैटमैन काफ़ी उत्साहित कर रही है, पर जो लोग बैटमैन को एक सुपर हीरो समझते हैं तो बता दें ये कोई सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि बैटमैन के पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं होती। ये एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए अलग होता है क्योंकि इसके पास टैलेंट होते हैं जैसे मार्शल आर्ट्स, कराटे, आंखों के सामने से सेकंड्स में ओझल हो जाना। ये काफी चालाक होता है, और हाँ, हम इसे आज की दुनिया का सुपर हीरो जरूर कह सकते हैं। इतने कौशल के बाद भी बैटमैन बंदूक का प्रयोग नहीं करता, कभी सोचा है क्यों? खैर, उसकी मर्जी, हर बार कोई वजह हो ज़रूरी नहीं, लेकिन इसके पीछे वजह है बैटमैन नफरत करता है बंदूकों को। कॉमिक्स की ये कहानियों में बैटमैन के सामने ही बंदूक की गोलियों से उसके माँ बाप को मार दिया गया था, जिस वजह से ही हमें गॉथम सिटी का एक बैटमैन मिला। यही एक वजह थी जो एक छोटा लड़का अपने माँ बाप के मुजरिम और अन्य लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए बैटमैन बना। दी बैटमैन को देखना काफ़ी रोमांचक होगा और उत्साहवर्धक होने वाला है। यह कोई बुरा सुपर हीरो नहीं है, यह हमेशा अपने गोथम शहर की रक्षा करता है, और इसकी लोकप्रियता भी उतनी ही जितनी बाकी सुपर हीरोज की। अगर आपको लगता है कि बैटमैन ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज करता है, तो आपको बता दें उसका ट्विटर अकाउंट भी है, जाओ और मारो सर्च। 2021 में रिलीज होने वाली द बैटमैन में ये देखना वाकई चौंका देने वाला होगा, कैसे बैटमैन अपने दुश्मनों को धूल चटाता है। और हर बार आपका सवाल हम देते रहेंगे, आज हम आपको कुछ सवाल देकर जा रहे हैं, और जवाब मिलते ही कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या मार्वल स्टूडियोज और डीसी कॉमिक्स के हीरोज का होगा मिलन इस द बैटमैन सुपर फिल्म में, और क्या करेगा बैटमैन बंदूक का प्रयोग इस बार? आप सर्च करो और मिल जाए तो हमें भी बताना। तब तक के लिए गुड बाय। अब दोस्तों, आप जल्दी जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है।